ब्रेकअवल आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में पनप रहा भ्रष्टाचार आखिर कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे हम भ्रष्टाचार के इस धारा को देश से बाहर निकाल पाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद है, बीजेपी से कपिल देव है, विधायक है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आरएलडी से चौधरी मुश्ताक साहब है एमएलसी है, और समाजवादी पार्टी से मोहम्मद वसीम अंसारी साहब जिला महासचिव है समाजवादी पार्टी के। तीनों मेहमानों से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में पनप रहे भ्रष्टाचार को हम लोग कैसे खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार कहां कहां तक फैला है इसकी जड़ों तक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब आपके पास आऊंगा मैं, अगर हम देखें भ्रष्टाचार की अगर हम पैमाने की बात करें तो थाने होते हैं, पुलिस होती है और प्रशासन होता है। सबसे पहले मैं थानों का जिक्र करूंगा। थानों को हमें खबर मिलती रहती है और हमने ये देखा भी अक्सर कि थाने जो है वो बांटे जाते हैं, थाने जो है उनकी कीमत तय की जाती है, ये बताया जाता है हाँ भाई ये वाला थाना इतने लाख रुपए में मिलेगा क्योंकि वहाँ उगाही ज्यादा हो जाती है, वहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाता है, सीमा पर होता है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए ये सब जो अधिकारी होता है जिले का बड़ा अधिकारी जी, चाहे वो एसएसपी हो या आईजी हो या डीआईजी हो जी, अगर वो वाकई ईमानदार है तो कोई आपका जनपद का थाना नहीं बिकेगा जी। और भ्रष्टाचार को अगर आपको खत्म करना है तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को खत्म होगा जी। अगर ऊपर के आपके चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, अगर वो ज्यादातर ईमानदार होंगे तो भ्रष्टाचार नीचे कोई थानेदार नहीं कर सकता। थानेदार भ्रष्टाचार तब करेगा, तब वो पैसा लेगा जब जाकर के वो एक बड़ा अधिकारी उसे बाध्य करेगा कि आपको फला थाने के लिए इतना पैसा मुझे देना है। तो ये तो हमारे चाहे वो पार्टियां हो या कुछ भी हो, वो तो हमें सोचना है कि हमें भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है। खत्म करने की जड़ सबसे बड़ी ये है कि हम ऊपर से ईमानदार हो तो नीचे का कर्मचारी ऑटोमेटिक ईमानदार होगा। तो इसमें वसीम अंसारी साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई घोलोल हमें पिलाना पड़ेगा, कोई घुट्टी वुट्टी पिलानी पड़ेगी ऊपर के लोगों को ईमानदार करने के लिए, या फिर अपने आप लोग ईमानदार होते चले जाएंगे, या फिर सरकार को ही कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे लोग ईमानदारी की तरफ बढ़े और समझे अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाए? देखिये निकुल जी, आपने जो अभी पीछे बात कही थी कि शायद डीएनए में ही भ्रष्टाचार रच बस गया है जी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी। साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि भार साधक अधिकारी जो शीर्ष अधिकारी हैं या निम्न अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार वहां से शुरू होता है, पहले उनको ठीक करना होगा। आम जनता की भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो तो मजबूर है, उसका सही रूटीन का काम भी उसको पेंडिंग कर दिया जाता है जब तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए, उसकी फाइल नहीं चलती, बहुत से काम ऐसे हो जो रूटीन में होने वाले होते हैं, लेकिन भार साधक अधिकारी या उच्च अधिकारी उस फाइल को रोक के लिए बैठा रहता है ताकि कुछ वो आकर मिले, उसकी सुविधा शुल्क दे, तब उसका काम आगे बढ़े। तो जहां तक भ्रष्टाचार की बात है कि हमें, क्योंकि अधिकारियों को तो एक महीने में तनख्वाह मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है जी। तो हमें उस अधिकारी को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, सख्ती से समझाना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि वो उस भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और आम जनता को वो सुविधा दे। बिल्कुल कपिल देव जी, आपसे जानना चाहूंगा, हम अगर भ्रष्टाचार के स्तर की बात करें तो भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है, जिस तरीके का जिक्र हम सब लोग कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इतने लेवल पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल है। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने का कदम हम लोग उठा चुके हैं, डिजिटल हम हो भी चुके हैं, बहुत सारी चीजों हम डिजिटल होते जा रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाना है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है डिजिटलाइजेशन का नहीं है जिसके जरिए अधिकारियों पर नजर रखी जा सके, उन्हें उनके कार्यकलापों पर ध्यान दिया जा सके, जो फंड आ रहा है वाकई में जनता के पास पहुंचा उसका पूरा ब्यौरा रखा जा सके? देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस काम में पहल बहुत अच्छी की जी, और सार्थक उसके परिणाम भी आ रहे हैं। नोटबंदी का मामला भी यही है, अभी तक क्या हो रहा था कि नोटबंदी ना होने यानी पुरानी करेंसी में अधिकांश व्यापार 80-90% व्यापार जिसको नंबर दो बोलते हैं उसी के अंदर था, उसमें टैक्स की भी चोरी थी जी, उसमें इनकम टैक्स की भी चोरी थी, वो धीरे धीरे सिस्टम में आ रहा है। जब कैश की ट्रांजेक्शन धीरे धीरे कम होगी, लोग स्वाइप पाएंगे, बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे, बैंक से लेन देन करेंगे, तो टैक्स की मात्रा संख्या भी बढ़ेगी, टैक्स की जब संख्या बढ़ेगी, टैक्स की जो राशि बढ़ेगी तो उससे टैक्सेस भी कम होंगे,
क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना शुरू होगा तो निश्चित रूप उसका लाभ भी होगा। अभी तक जो टैक्स की चोरी के चक्कर में लोग भ्रष्टाचार करते थे, यानी टैक्स मान लो 14% है या किसी 12% है, तो व्यापारी को लगता है कि टैक्स चोरी करना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि वो उस टैक्स की को देने को अफोर्ड नहीं कर पाता। पर गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट भी अपने टैक्स के स्लैब को कम करेगी। जब टैक्स का स्लैब कम होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। जो डिजिटल इंडिया की बात आपने की, डिजिटल इंडिया के अंदर भी जो नई जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं गर्ल्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो भी इस सिस्टम से उग गए हैं। और आप देखिए कि जो यंगर्स हैं, जो MBA हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए ट्राई बहुत कम करते हैं। और गवर्नमेंट के लिए, चूंकि गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट सेक्टर में जो एमएनसीज हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं उनके अंदर जो उनका माइंड है, उनके बड़े प्रोफेशनल हैं, उनके पास जो एजुकेशन है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उसकी वैल्यू और उसके हिसाब से उनको पैकेज मिलता। एक MBA लड़का या प्रोफेशनल लड़का 20,000 महीने में काम करता, वही प्रोफेशनल लड़का 2,00,000 महीने में काम करता, उसी को लिखा पढ़ावा, यानी जिसके पास ब्रेन है उसको उतनी अच्छी जॉब मिलती है। इसलिए जाता, जब वहां जाता तो पूरा टैक्स पे करता, वो फिर जब उसको अच्छा पैकेज मिलता है तो फिर वो टैक्स की चोरी नहीं करता। जबकि जो बिजनेसमैन है या लोअर सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स बचाने का काम। कपिल देव जी, लेकिन जो सरकारी लोग हैं उन्हें तो पैसा मिल रहा है ना, सरकारी लोगों को तो सरकार तनख्वाह दे रही है टाइम पर, उनकी सबसे पहले टाइम पर तनख्वाह पहुंच जाती है, 30 तारीख होती है तनख्वाह पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों में क्या होता है, अगर एक बड़े अधिकारी ने बोला कि हाँ भैया इतना पैसा आया सरकार की तरफ से, इतने सारे किसानों तक पहुंचना है, हम एक काम करते हैं इस वजह से 40,000 रुपए किसानों तक पहुंचा देते हैं, बाकी 40 जो ऐसे ऐसे करके हम लोग बांट लेते हैं। अब उसका जो साथ देने वाला इंसान है, उसका अधिकारी का साथ देने वाला इंसान, अगर उस अधिकारी को उसका जूनियर अधिकारी उस वक्त थप्पड़ मार दे और बता दे कि भाई ये भ्रष्टाचार है, हमें ईमानदारी से काम करना है और हमें जनता तक किसानों तक सारा पैसा पहुंचाना है, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा? पहल तो किसी को करनी पड़ेगी। करते हैं ईमानदार अधिकारी भी, लेकिन अधिकांश अधिकारी इसमें लिप्त हैं, और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको 10 लोग मिलकर के कहीं ना कहीं साइको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा ईमानदार आया है। सिस्टम इतने खराब है कि सरकार ने टेंडर प्रणाली बनाई है, काफी चीजें उसके अंदर ठीक भी हुई है, लेकिन टेंडर का जो सिस्टम है, टेंडर की जो वैल्यू बनाई गई है, टेंडर की वैल्यू इतनी अधिक बनाई जाती है कि टेंडर की वैल्यू में बढ़ने के बाद उसमें, अगर मैं आपसे PWD की बात करूं, तो PWD जिसने किसी चीज के सड़क निर्माण के रेट बनाए हैं, तो PWD ने पहले ही उसका रेट इतना अधिक रखा है उसकी वैल्यू का कि उसने तो सारा सिस्टम पहले से ही जोड़ के चला है। यानी बिलो रेट होने के बावजूद भी जब ठेकेदार टेंडर डालता है तो ठेकेदार को उसे पैसा भी देना पड़ता है और रेट भी बिलो करता है और उसके बावजूद भी पैसा कमाता है। और अधिकारी उस रिपोर्ट को लगाने के लिए जो JEE होंगे, AE होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, ऊपर के अधिकारी होंगे, वो एक सिस्टम निश्चित रूप से सिस्टम उसके अंदर बटा हुआ है और वो उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए, यस करने के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा इसमें कहना यह है कि उसकी कंपेरिजन अगर प्राइवेट सेक्टर से करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अस्थिरता है। एक गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय एक प्राइवेट सरकार अगर हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो 10,000 करोड़ का हो, 50,000 करोड़ का हो, तो उसकी ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं जरूर पैसा जाता हो, लेकिन जो उसके नीचे अंडर में लोग काम करें, उसका JEE है, एजुकेटेड इंजीनियर है, स्टाफ है और स्टाफ, वहां के लेन देन नहीं, तो नीचे के लेवल पे तो कम से कम इस तरह वो भ्रष्टाचार रुका, और अगर नहीं रुका तो ऊपर के लेवल पे जहां उसकी सेटिंग है, जहां उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, वहां कहीं ना कहीं बीमार। मेरा इसमें सुझाव यह है कि प्राइवेट सेक्टर को बड़ा, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, टेलीफोन के बिल आते थे उसे बीमार होता था, बिजली के बिलों के अंदर आज भी बीमार होता है। अभी भी आप बिजली के दफ्तर पर जाइए, कैमरा वहां लगाइए, हजारों लोग आपको बिजली के दफ्तर पर चक्कर काटते मिले, सर मेरा बिल ज्यादा आ गया, मैं तो केवल 2 बल्ब और 2 ट्यूब चलाता हूँ और 2 पंखे चलाता हूँ, मेरा भी 40,000 का आ गया। वहां पैसा ले दे करके बिजली का बिल कम होता, लेकिन वही लाइन आपके एयरटेल के पास, आपके आइडिया के पास, उन दफ्तरों के पास नहीं है, वहां बिल्कुल एक बिल आता, तो वही बिल प्राइवेट सेक्टर में बदमाशी नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर उनके अंदर बदमाशी है, चूंकि अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरा कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी ईमानदार होने की संभावना है और इसको इसका पैमाना क्या समझा है मुश्ताक साहब, क्या पैमाना समझा जाए? अभी जैसा जिक्र कपिल देव जी कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो वाकई में ये फैक्ट है कि प्राइवेट स्कूल्स को अगर हम देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम देखें, प्राइवेट कंपनीज को हम देखें, तो वहां भ्रष्टाचार में बहुत कमी है, उस स्तर तक भ्रष्टाचार नहीं होता, हर आदमी को, आखिरी व्यक्ति को फायदा मिलता है। लेकिन हम सरकारी दफ्तरों में जाए, सरकारी कार्यकलापों को देखें, तो वहां हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए,
प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे विधायक जी ने बात कही है बहुत सही बात है जी। प्राइवेट सेक्टर में हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसमें एक चीज भी है साथ साथ उसके, हम अगर सरकारी आपके जिला अस्पताल हैं, हमारे आपके जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अगर हम उसमें ही सुधार करें और उसमें स्वच्छता लाएं तो वो प्राइवेट सेक्टर से भी बेहतर होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना फीस, एक डॉक्टर ने इतनी फीस की हुई है कि एक गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता जी। ऐसे ही आपके कॉलेज में है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, गरीब आदमी का बच्चा तो उसके नजदीक भी नहीं जा सकता जी। एक बात देखिए, एक बच्चे का फीस कम से कम एक महीने की 5,000 रुपए, अगर उसके दो बच्चे हैं 10,000 रुपए, पता लगा उसका आने जाने का खर्च तकरीबन वो 15,000 रुपए 20,000 रुपए महीना एक गरीब आदमी नहीं वहन कर सकता। तो इससे देश दो भागों में बटेगा, एक तो हाई शिक्षा वाले लोग भाग हो जाएंगे, एक लो शिक्षा वाले लोग भाग हो जाएंगे। अगर मुल्क को वाकई तरक्की की तरफ ले जाना है तो आपको जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर में भी सुधार लाना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल्स हैं आप उसमें पैथोलॉजी अच्छी करिए, आप उसमें डॉक्टर अच्छे, जब आपके डॉक्टर हैं तो उनकी आप जिम्मेदारी लगा दीजिए, आपका डॉक्टर हॉस्पिटल में भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है, तो आप उसकी प्राइवेट सेक्टर की दुकान बंद करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए अगर वो इस टाइप के अपनी प्रैक्टिस चलाता है तो। दिक्कत दोस्त अक्सर है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, सरकार ने सब कुछ छोड़ दिया, उठाकर लग गया, सीएमओ है वो देखेगा, देखता रहेगा जो उसे हो रहा है, उसके पास पैसा पहुंच रहा है वो देख रहा है, क्यों वसीम सर मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं, मेरी अभी एक बात रही, आपने डिजिटल इंडिया की बात की जी, आपने स्वच्छता पर अपनी बात रखी जी, हमारे देश में डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब हमारा मुल्क का हर आदमी नागरिक शिक्षित होगा। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इतनी कमी है कि आज भी तकरीबन 30-35% लोग बाग अशिक्षित हैं हमारे मुल्क में। देहात में आप जाइए, आपने पेटीएम की बात की, आपने इंटरनेट की बात की, आप पहले मुल्क को वाईफाई इंटरनेट से जोड़िए तब जाकर डिजिटल इंडिया की बात करिए। आप मुल्क में, आप दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में पता लगा चांदनी चौक में ही नहीं आपके पास में आपके वो आ रहे हैं लाइन जी, आपके जनपद में मुजफ्फरनगर में आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि पहले तो पूरे मुल्क को आप इंटरनेट और वाईफाई से सुजित करिए। नहीं, इंटरनेट और वाईफाई से पहले जरूरत शिक्षा की है, जिसका जिक्र नहीं, शिक्षा में मैंने शिक्षा का भी कहा, शिक्षा दूसरे स्वच्छता के मामले में जी। आप हमारे देश में देखिए, तकरीबन 40% लोग आज भी खेतों में और सड़कों के किनारे लैट्रिन करने जाते हैं, उससे बीमारी फैलती है, डायरिया, ये दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं। तो आपको चाहिए, जबकि सरकार इस टाइप पर कदम उठा रही है लेकिन अभी तक पूरा इस तरफ कोई ऐसा जैसे के एक तूफानी कदम होना चाहिए, वो कदम अभी तक नहीं उठा गया है। तो ऐसे कदम ही आपको उम्मीद है। अगर मैं शिक्षा के स्तर की बात करूं, शिक्षा का स्तर नहीं बदला, आज भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किससे मानेंगे? इसके लिए भी वसीम सारी साहब वही भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, जो भ्रष्टाचार सालों से इस देश में होता है। अगर सरकारी स्कूलों की हालत को सुधार दिया गया होता तो शायद आज बहुत सारा वर्ग सरकारी स्कूलों में पढ़कर देश की सेवा कर रहा होता, नौकरियां कर रहा होता और शिक्षित भी होता। देखिए नकुल जी, मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी, यहाँ कुछ ऐसे सपने देखे जा रहे हैं जो मुंगेरी लाल देख रहा है जी। जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ गरीब जनता, ज़्यादा परसेंटेज गरीब जनता की है, अशिक्षित है। पहले तो उनको शिक्षित बनाने की बात है, ये कैशलेस, पेटीएम, ये भी बहुत दूर की बात है। ये देखने में, सुनने में, कहने में तो शायद अच्छी हो सकती हैं। जहाँ तक सवाल भ्रष्टाचार का है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का दायित्व तो है ही है भ्रष्टाचार को से मुक्त कराने के लिए देश का, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी जाता है, उसका भी अपने एक दायित्व है। वो अगर आगे बढ़कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति लाए, साथ में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भी अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वहन करे,
तो इस देश से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति हो और जड़ से ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म करना है और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। उस देश को अगर हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो इसकी पहल हमें करनी होगी। आप तीनों से एक एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आखिरी सवाल आपसे यह है विधायक साहब कपिल देव जी, भ्रष्टाचार को हम कैसे खत्म करेंगे? एक आखिरी आपका सजेशन देश की जनता के लिए संदेश, या फिर कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? मेरा सुझाव है कि जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको जागरूक किया जाए जी। देश के प्रति ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार, समाज के प्रति ईमानदार। अगर ईमानदारी का पाठ बचपन में पढ़ाया जाएगा, जो लोग राष्ट्रभक्त होते थे, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने बलिदान किया, देश के लिए अनेक लोगों ने बलिदान किया, आज सब लोग कहाँ हैं? मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों ने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज कभी बनाए, अपनी जमीनें दी, और कभी कितने कितने बड़े बड़े कॉलेज थे, आज कल कॉलेज क्यों नहीं बन रहे? आज सब प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रहे? आज सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे। तो समाजिक क्षेत्र में जो लोग, मुझे लगता है जितने लोग पहले काम करते थे, उतना डिवोशन उनका आज नहीं दिखता है। तो अगर उनको वो संस्कार दिया जाए, उन्हें ईमानदारी सिखाई, ईमानदारी बचपन में उनके रक्त में, उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में अगर हम देने का प्रयास करेंगे, तो जो पैसे की दौड़ है ये कम करके वास्तव में समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्र के प्रति मेरा दायित्व क्या है, अगर ऐसा पाठ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और शायद देश से हम काफी हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त रहेंगे। मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है कैसे हम भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के तमाम क्या रूपों का जिक्र हमने इस डिबेट के दौरान किया, हमने इस पर भी बात की कि सीमा पर भ्रष्टाचार होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार होता है, पुलिस में भ्रष्टाचार होता है, स्कूलों में भ्रष्टाचार होता है, अस्पतालों में भ्रष्टाचार होता है, हमारे खुद के अंदर भी भ्रष्टाचार होता है, कैसे खत्म करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारी जड़ों में इस तरह से रमा गया है, इसे तो खत्म करने के लिए सबसे पहले तो जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है जी। हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें। पहले लोग बाग, मैं राजनीतिक क्षेत्र में ही आपसे बताऊं, राजनीतिक क्षेत्र में पहले ये बात होती थी कि फला आदमी इतना ईमानदार और इतना अच्छा है जी। तो उसे वजन दिया जाता था, उसे पार्टी में सम्मान दिया जाता था। आज पार्टियों में भी भ्रष्टाचार है। आज पार्टियों में अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक दरी बिछाता है और वो पार्टी के लिए काम करता है और उसका इतना वजन नहीं है, पहले यह आकलन किया जाता है कि फला किस जाति से है, फला उससे है, कितना पैसा खर्च करेगा। तो जब आप, मैंने पहले भी कहा कि ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार चलता है, जब हमारे लोग बाग ऊपर ही ईमानदार होंगे, ईमानदार लोगों की कद्र होगी। और पहले लोग बाग भयभीत होते थे कि यार भ्रष्टाचारी आदमी तुम्हारे से हाथ मिला गया, लेकिन आज लोग बाग उसके साथ शान से चलते हैं। तो ये तो हमारे मुल्क में हर वर्ग के हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाए और ये बात रखे। अब आप शादी की बात करिए, किसी के बच्चे की शादी की बात होती है तो पहले तो वो कहता भाई मेरे फला आदमी आया था, वो तो वो फला गाड़ी दे रहा था जी, जी। वो इतना सामान दे रहा था जी। अब आप कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म, अपने लड़के की शादी के लिए अपने लड़के की शादी नहीं कर रहे हम अपने बच्चे को बेच रहे हैं और लड़की हमारी जी। जिस घर के अंदर पैसा नहीं है वो आदमी ये सोचता है उसका बाप कि मैं इसकी शादी कैसे करूं। सही बात। तो हमारा अंदर तो ये होना चाहिए कि जो आदमी ईमानदार होगा उसे हम प्रायोरिटी पर लेंगे, जो लड़का अच्छा इंजीनियर डॉक्टर होगा वो भरा लड़की से शादी करेगा उसे हम सम्मानित करेंगे। आज हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जिस दिन हम भ्रष्टाचारियों को दरकिनार करना शुरू कर देंगे, उनका बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, ईमानदार लोगों का सम्मान शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मुल्क भ्रष्टाचार से मुक्त, बिल्कुल अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। वसीम अंसारी साहब, आपका एक आखिरी आपकी बात हम रखना चाहेंगे देश के सामने कि आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे? मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार खत्म करने की आम जनता की नहीं है, पूरी जिम्मेदारी आम जनता की भ्रष्टाचार को खत्म करने की नहीं है। उससे कहीं बड़ा दायित्व पॉलिटिकल पार्टीज का है, नेताओं का है, कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का है, और उससे भी कहीं ज्यादा जहां जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों का है, जिनको तनख्वाह अच्छी मिलती है, पेंशन अच्छी मिलती है, उन लोगों का ज्यादा दायित्व है इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए।
तो सभी को एक अच्छी भूमिका निभानी होगी। आज हमारे साथ सीधा सवाल की इस डिबेट में मौजूद थे कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी, बीजेपी और एनडीए से तमाम नेता, और हमने जानने की कोशिश की कि इस देश से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। तो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, और भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म करने में हमें काफी समय लग जाएगा, लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें खुद ये कदम उठाना होगा कि हम ना किसी से रिश्वत लेंगे, ना हम किसी को रिश्वत देंगे। अगर कोई हमें धोखेबाजी करने के लिए कहता है तो हम उसे धोखेबाजी नहीं करने देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। अगर हम कुछ तलाश में जाएंगे तो ईमानदारी से उसको तलाश करेंगे, ना कि उसका मिक्सचर हम उसमें तलाश करेंगे। ऐसे ही हम देश से भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे। आज सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए समाचार।